The Indian Institute of Horticulture Research was started in 1967 at Hesaragatta in Bengaluru under the aegis of Indian Council of Agricultural Research. This institute in the past 5 decades has released more than 300 technologies. There are more than 400 licensees who have taken these technologies and have become very successful entrepreneurs. The institute on its part is taking these technologies to various stakeholders in horticulture through national horticultural fairs that are being organized in the premises of the institute every year. Apart from this, the institute has also developed digital apps which actually is helping the farmers in day-to-day cultivation of the crops. Another app has been developed which has facilitated the seed procurement to the farmers, and today the seeds of the institute varieties are reaching the doorstep of the farmers in nook and corner of India. Arka Samachar is one such attempt for taking the technologies and for solving the day-to-day cultivation problem of horticultural crops among the farmers. This app is being now telecast in 5 languages. This Samachar is being telecast in 6 languages. As we go along, I wish and hope that Arka Samachar would reach the doorstep of every stakeholders in horticulture. Jai Hind. बागवानी से जुड़े किसान भाइयों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा बागवानी उत्पादों के व्यापारीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। अर्का समाचार के पहले एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अर्का समाचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आपको संस्थान द्वारा विकसित तकनीकियों के बारे में जानकारी दी जाती है जो आत्मनिर्भर कृषि को समर्थन करती हैं। आज के इस अंक में फलों जैसे कि आम, केला, पपीता और चीकू को कम लागत में पकाने वाली बहुत ही सरल, सुरक्षित व आसान तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार यह प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर कृषि का समर्थन और सहयोग करती है। इस तकनीक को अपनाने से फल 4 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं और 1 टन फल पकाने की लागत सिर्फ 20 से 25 रुपए है। इस तकनीक में एथेफोन का प्रयोग किया जाता है जो हानिकारक और प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। किसान भाइयों, इस मौसम में आम की फसल में फूल खिलने व फलों के लगने का समय है। इस अवस्था में इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों और रोगों के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। आम की फसल में फूल लगने की अवस्था में हॉपर और फूल खाने वाली इल्लियां बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। हॉपर के नियंत्रण के लिए लैम्डा साइलोथ्रिन का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जल की दर से छिड़काव करें। अगर 15 दिन के बाद भी प्रकोप कम नहीं होता है तो इमिडाक्लोपिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर जल की दर से छिड़काव करें। आम में फूल लगने की अवस्था में चूर्ण आसिता यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू और बोर अंगमारी यानी कि ब्लॉसम ब्लाइट प्रमुख रोग हैं। चूर्ण आसिता नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर अथवा वेटेबल सल्फर ATWP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। आम के उन बगीचों में जहां फल कांच की गोली से नींबू के आकार के हों, वहां स्टोन वीविल अर्थात गुठली गुन के अंडे पाए जा सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए डेल्टा मेथ्रिन रसायन का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करें, जिससे कि इसका नियंत्रण किया जा सके। बोर अंगमारी तथा अन्य फफूंदी रोगों के नियंत्रण के लिए क्लोरोथेनोलिन 75 WP 2 ग्राम प्रति लीटर अथवा टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सी स्ट्रॉब्रिन का मिश्रण जो है उसे 0.75 से लेकर 1 ग्राम प्रति लीटर अथवा कार्बेंडाजिम और मैंकोजैब का जो मिश्रण है उसे 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप बारी बारी से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं।
इन प्रौद्योगिकियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु अथवा डायरेक्टर को आप मेल भी भेज सकते हैं director.iihr@icar.gov.in। दूरभाष संख्या है 08023086100 अथवा आप विभागाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं कि अर्का समाचार द्वारा दी गई जानकारियां आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगी। अर्का समाचार को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव व प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।